सो हे गाइज, आज की इस वीडियो में मेरे पास है, यहाँ पर देख पा रहे हो कि बोट की स्ट्रोम कनेक्ट प्लस जो स्मार्ट वॉच है जो कि न्यू लॉन्च हुई है, तो ये है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस स्मार्ट वॉच को आप किस तरीके से अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो और कैसे इसका पूरा सेटअप कर सकते हो, यानी कि फुल सेटअप आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, अगर आपने स्किप किया तो कुछ ना कुछ आप मिस कर जाओगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको स्विच ऑफ है ये, इसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको इस बटन को प्रेस करना है। और अगर प्रेस करने से नहीं ऑन हो रही है तो आपको क्या करना होगा, चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर तो ऑन हो गई है। अगर नहीं ऑन होती है तो आपको जो है इस केबल से इसको सबसे पहले चार्ज पे लगाना है। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है हिंदी में आप रखना चाहते हो या इंग्लिश में, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में ही रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर यस करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो स्कैन QR कोड दे रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को लेना है और मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है बोट क्रेस्ट। तो यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाना है आपको और यहाँ पर आपको सर्च करना है बोट क्रेस्ट। जैसे आप बोट क्रेस्ट सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगी, इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, एंड जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो सबसे पहले इसको आपको जो है यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पर टिक मार करना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। दोस्तों OTP देने के बाद यहाँ पर वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है, एंड इस तरीके से देखिए यहाँ पर राइट निशाना हो चुका और यहाँ पर कंटिन्यू टू पेयरिंग पर ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ग्रांट परमिशन पर क्लिक करके इसको परमिशन दे देना है और अलाउ कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए वॉच दिखा रहा है तो कौन सी आपकी है, तो यहाँ पर स्ट्रोम कनेक्ट प्लस है तो हम इस पर जाएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर से मैं यहाँ पर स्ट्रोम कनेक्ट प्लस पर क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये बोल रहा है कि अपने जो है वॉच को स्कैन करवा लीजिए या फिर डायरेक्ट ही ये सर्च कर रहे हैं, तो आपको इस पर सर्च कर लिया, इसको आपको क्लिक कर देना है और देखिए यहाँ पर कनेक्टेड हो चुका है, यानी कि आपका वॉच जो है सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट पेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और देखिए ये यहाँ पर पेयर हो गया। तो देखिए आपकी वॉच में जो टाइम है वो भी आ चुका है और गेट स्टार्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से आपको यहाँ पर पेयर कर देना है, गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू टू होम पेज का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए इसका पूरा इंटरफेस ओपन हो चुका है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है पूरा का पूरा यहाँ पर आपका होम पेज दिख रहा है। 99% बैटरी भी दिखा रहा है और यहाँ पर कनेक्टेड दिखा रहा है, BT कॉलिंग भी यहाँ पर कनेक्टेड दिखा रहा है, यानी कि जो कॉल आएगी वो भी यहाँ पर फोन इस वॉच में आएगी। तो अभी दोस्तों आपको मैं एक एक फीचर यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इस वॉच में जो है कौन कौन से फीचर दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर इस होम पेज पे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा काफ़ी सारे नीचे की तरफ ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर होम है, फिटनेस, माय वॉच एंड फिट क्रू, एंड उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर फिटनेस पे आएंगे, तो यहाँ से आप जो है फिटनेस का अपना पूरा रिकॉर्ड देख सकते हो, जितना भी आप यहाँ पर रनिंग वगैरह करोगे वो यहाँ पर दिखता रहेगा, गोल आपका अचीवमेंट है वो भी दिखता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर माई वॉच पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए कनेक्टेड दिखा रहा है और 99% बैटरी दिखा रहा है, जितना टाइम हो रहा है वो भी दिखा रहा है और BT कॉलिंग भी दिखा रहा है, यानी कि BT कॉलिंग भी होगी उस पर। तो उसके नीचे यहाँ पर वॉच सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, फाइंड माई वॉच का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों वॉच सेटिंग पे जाकर के आप इसका जो है सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो, एंड उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर फाइंड माई वॉच का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि इस जो फीचर है इसकी वजह से आप जो अपने जो वॉच है इसको भी फाइंड कर सकते हो। 10 मीटर के आसपास होगी अगर वॉच, तो वहाँ पर जो है आपको इसका रिंगटोन जो है बच जाएगा, उससे आप जो है पता लगा सकते हो कि कहाँ पे अपनी वॉच रखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर ब्लूटूथ कॉलिंग दिया गया है, यानी कि ब्लूटूथ कॉल भी इसमें कर सकते हो। अब दोस्तों आएंगे यहाँ पर सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर वॉच स्टेटस दिखा रहा है कनेक्टेड, एंड उसके भी नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है वॉच फीचर, तो इस पर जाएंगे तो यहाँ से देख पा रहे हो ऑटो मॉनिटरिंग हार्ट रेट, यानी कि हार्ट रेट को ऑटोमेटिक मॉनिटर करता रहता है और स्ट्रेस को भी मॉनिटर करता है, ऑटो SP ऑटो मेजरमेंट ये भी यहाँ पर करता रहता है, तो इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। जैसे आप इनेबल करेंगे तो सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ही आपका जो है यहाँ पर सब कुछ करता रहेगा। तो दोस्तों ऑटो मॉनिटरिंग हार्ट रेट जो है इसको आप कितने कितने देर बाद यहाँ पर मॉनिटरिंग करना चाहते हो तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो।
यहाँ पर 30 मिनट पहले से ही लगा हुआ है। उसके बाद ऑटो मॉनिटरिंग स्ट्रेस, इसको भी आप इनेबल कर दीजिए, सेव चेंजेस, तो ओके कर देंगे। अब दोस्तों ये ऑटोमेटिक तीनों फंक्शन जो है ये मेजर करेगा। उसके अलावा यहाँ पर अलार्म पे जाएंगे तो अलार्म यहाँ से सेट कर सकते हो, ऐड अलार्म पर क्लिक करके अपने अलार्म को भी लगा सकते हो। सेकेंडरी रिमाइंडर जो दिया गया है यहाँ से, इसको इनेबल करके आप सेकेंडरी रिमाइंडर को भी यहाँ पर जो है सेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ड्रिंक वाटर रिमाइंडर दिया गया है, अगर आपको ध्यान नहीं रहता है पानी पीने के लिए तो आप जो है यहाँ पर इसको इनेबल कर दीजिए, और यहाँ से जितने भी टाइम पर आप लगा दोगे रिमाइंडर उतने टाइम बाद ये आपको याद दिलाएगा कि आपको पानी पीना है। तो उसके बाद यहाँ पर डिस्कार्ड करेंगे दोस्तों, आप इसको सेट कर सकते हो आराम से। इवेंट रिमाइंडर दिया गया, अगर कहीं कोई इवेंट है उसको भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, वो भी आपको रिमाइंड करेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर ब्लूटूथ कॉलिंग दिया गया है, तो यहाँ पर आप 10 कॉन्टैक्ट तक यहाँ पर सेव कर सकते हो, यानी कि 10 कॉन्टैक्ट आप अपनी वॉच में भी सेव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फाइंड माई वॉच, जो कि पहले भी बता चुका हूँ। वेदर सेटिंग पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा, और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना और अलाउ करना है। अभी आपको परमिशन देना पड़ेगा। तो दोस्तों वेदर सेटिंग पे जाने के बाद आप लोकेशन को इनेबल कर देंगे तो यहाँ से वेदर का भी जो आपकी वॉच में है पूरा डेटा दिखाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर जाएंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से ऐप की नोटिफिकेशन आपके वॉच पे आएंगी। तो यहाँ पर आप कॉल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए, तो कॉल की नोटिफिकेशन जो है आपके फ़ोन पे ही आएंगी, जो आपकी वॉच है वहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पर इसको जो है अलाउ करना पड़ेगा, तो ये डिनाई है, देखिए इसको हम अलाउ करेंगे, अलाउ कर दिया और अब ये काम करेगा। उसके बाद SMS नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो इसको भी इनेबल कर दीजिए, ऐप नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो इसको भी इनेबल कर दीजिए। अब यहाँ से YouTube का नोटिफिकेशन, Instagram, WhatsApp, Gmail, जिसका भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए अपने वॉच पे उसको यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली हो चुका है, और अब यहाँ पर नीचे शॉर्टकट का रिमोट कंट्रोल कैमरा का जो ऑप्शन मिला ये भी है, तो यहाँ पर इसको इनेबल कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपने वॉच से ही अपने कैमरा से फोटो खींच सकते हो, यानी कि फ़ोन का कैमरा ओपन करके आपने वॉच से ही जो यहाँ पर फोटो को क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर शॉर्टकट का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से जो शॉर्टकट है सारे सारे इनेबल हैं, इनको आप चाहो तो माइनस भी कर सकते हो, नहीं तो ये ऐसे ही ठीक है। तो दोस्तों ये इतना सारा कुछ आपके जो है ऐप है उसके अंदर दिया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा वॉच का इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वॉच को ये वाली बटन प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर इस तरफ करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके पास ये डेटा दिखाता रहेगा, कितने स्टेप आप चले हो और कितना कैलोरी आपने बर्न किया है, कितने मिनट चले हो और कितना टाइम यहाँ पर जो है आपने एक्सरसाइज किया है। उसके अलावा दोस्तों वेदर का जो वहाँ पर नोटिफिकेशन, जो वेदर का ऐप में अगर आप उसको जो है परमिशन दे दोगे तो यहाँ पर वेदर का भी पूरा डेटा दिखाएगा। उसके अलावा यहाँ पर हार्ट रेट मापने के लिए देखिए मेजरिंग कर रहा है, अगर मैं यहाँ पर बांधूंगा तो यहाँ पर मेजर करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है अपडेट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से आप म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकते हो। अब आपने जो है फ़ोन में म्यूजिक बजाओगे तो यहाँ से भी उसको कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इतना ही है। इंटरफेस को चेंज करने के लिए यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, और यहाँ पर 5 इंटरफेस दिए गए हैं, यानी कि फेस वॉच जो है वॉच फेस यहाँ पर 5 दिए गए हैं, इनमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगता है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये वाली बटन जो दबाएंगे तो यहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा सेटिंग है वो आ जाता है। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी का ऑप्शन मिल रहा है, उसके बाद डायल पैड का ऑप्शन, यहाँ से आप कॉल को भी कर सकते हो, कोई भी नंबर मिलाओगे तो वहाँ पर जो है आपके फ़ोन में कॉल चली जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट्स, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, और आप अपने ऐप में जितने भी नंबर को कनेक्ट कर दोगे, 10 नंबर को कनेक्ट कर सकते हो तो यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर कॉल हिस्ट्री जो भी करोगे वो यहाँ पर दिखाई देगी। वर्कआउट करोगे तो यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद जो भी वर्कआउट आप करना चाहते हो उसको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हार्ट रेट वो भी दिखा रहा है, SpO2, स्ट्रेस, स्लिप, वर्कआउट रिकॉर्ड्स एंड अलार्म यहाँ से भी सेट कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे तो वही देखिए यहाँ पर वॉच फेस है, तो वॉच फेस पर क्लिक करके आप वही 5 फेस आपको मिलते हैं, तो इनमें से जो भी आप रखना चाहते हो उसको रख लीजिए। डिस्प्ले का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ से ब्राइटनेस को आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर देखिए अभी 100% थी, इसको 60 पर रखना चाहते हो तो 60 पर रख लीजिए, ये कम हो गई। स्क्रीन ऑन टाइम है, तो कितना देर आपका स्क्रीन ऑन रहना चाहिए, 5 सेकंड, तो आप जो भी रखना चाहते हो उसको लगा लीजिए। रेस्ट वेक, यानी कि जैसे ही आपने फ़ोन हाथ को ऐसे करोगे तो आपका जो है वॉच ऑन हो जाना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर इनेबल है। उसके अलावा दोस्तों साउंड एंड वाइब्रेशन दिया गया है, तो यहाँ से आप रिंगटोन को भी जो है इनेबल कर सकते हो। वॉल्यूम सेलेक्ट कर सकते हो, कितना तेज़ आपका रिंगटोन बजना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर वाइब्रेंट, इंस्टेंटली, मीडियम, स्ट्रॉन्ग, वीक, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ऑटो एक्टिविटी दिखा रहा है, DND मोड भी दिखा रहा है, DND मोड को भी आप लगा सकते हो। इसको आपको शॉर्टकट ऊपर से भी यहाँ पर करोगे तो भी लगा सकते हो। लैंग्वेज को यहाँ से चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो।
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है आपके जो नोटिफिकेशन पैनल है यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ से देखिए आप डी एन डी मोड लगा सकते हो, ये देखिए ब्राइटनेस यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, बैटरी का लेवल यहाँ से दिखाएगा, और ये जो गेस्चर ऑन वाला फीचर है वो यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ से टार्च का ऑप्शन दिए गए, आप इस पर जो है रात में टार्च का भी काम कर सकते हो, थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर रोशनी देगा। उसके अलावा यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया, सेटिंग पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वहीं फिर से पहुँच जाओगे। तो दोस्तों ये सारे के सारे इसमें फीचर दिए गए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे फीचर मैंने बता दिए। अगर कोई भी मिस रहता है तो अगली वीडियो में मैं बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी फीचर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।